हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 3। और आज की क्लास के क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे। एसएससी एमटीएस के लिए ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो आज की क्लास में करा रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएससी सीजीएल में तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो हायर लेवल का एग्जाम है, मगर एसएससी सीएचएसएल में कम आने के चांस है। मगर आपको करना जरूर है क्योंकि बाई चांस एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको कहीं भी लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, ठीक है ना। क्वेश्चन आराम से बोर्ड पे पॉपअप आएगा, ना क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बस क्वेश्चन की फिगर बनाऊंगा। तो क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सारे के सारे बच्चे, ठीक है। और अब तक जो बच्चे नए हैं उनको बता दूँ, हमारा 4 मंथ का बैच चल रहा है जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं जिनको मैथ और इंग्लिश बेसिक से समझ रही है तो मेरी क्लास को फॉलो करें, क्योंकि हम एकदम बेसिक से करा रहे हैं, एकदम बेसिक से। अब तक टाइम एंड वर्क कराया हमने बेसिक से, और भी बहुत कुछ काफ़ी बेसिक से कराया है, तो इसलिए क्लास को फॉलो करो। अब बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये नाव है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसका मतलब था डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ कितना है 39, ठीक है। और एक्स माइनस वाई, इसका मतलब होता है अपस्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत, ठीक है, कितना 25 किलोमीटर। और टाइम लिया 8 आवर्स, ठीक है। एक्स प्लस वाई 52 km, एक्स माइनस वाई कितना है 35 km, 11 आवर्स। देखो, एक नाव है वो धारा के साथ, एक्स प्लस वाई का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, वो धारा के साथ 39 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और वही नाव धारा के विपरीत, एक्स माइनस वाई मतलब धारा के विपरीत अप स्ट्रीम 25 किलोमीटर जाती है, 25 किलोमीटर, और कितना टाइम लेती है आने जाने में 8 घंटे। ठीक उसी तरह वही नाव जब 52 किलोमीटर जाती है धारा के साथ और फिर 35 किलोमीटर आती है धारा के विपरीत, ठीक है, तो 11 घंटे लेती है। तो अब अब तक तक क्वेश्चन में क्या पूछा है, धारा की चाल बताइए, रेट ऑफ स्ट्रीम, आपसे पूछा कि रेट ऑफ स्ट्रीम बताइए, क्या बताना है, रेट ऑफ स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। पहले एक लॉन्ग तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होता है, तो हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन आते हैं, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, पता है ना, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, डिस्टेंस कितना किया 39 किलोमीटर, स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई, और टाइम कितना लिया उसने 8 घंटे, 8 आवर्स। भाई यही तो एक क्वेश्चन बनी है ना, वो इतने इतने घंटे जा रहा है वो भी इसी क्वेश्चन में। अगली क्वेश्चन देखो, 52 किलोमीटर एक्स प्लस वाई प्लस 35 किलोमीटर एक्स माइनस वाई, 11 घंटे, दो इक्वेशन बन गई। देखो, डिस्टेंस दे रखा है अपॉन टाइम दे रखा है, डिस्टेंस टाइम है ना, डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिया था 8 घंटे लिए और यहाँ पे 11 घंटे। अब इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, देखो एक तरीका बताता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इक्वेशन क्या सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर इक्वेशन नंबर 1 को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 8 से, तो ये भी 88 हो जाएगा ना। तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक तरीका तो वो हो गया जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मगर मेरा काम है आपको शॉर्टकट कराना। तो जिन बच्चों को बेसिक इक्वेशन आती है तो इसको उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक इक्वेशन से, कि दो इक्वेशन बन गई है और इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती तो कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेना जिसमें बताते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मेरा काम है आपको एसएससी सीजीएल के लिए कराना, तो आपको शॉर्टकट से जहाँ दिखाता हूँ। अब एक ध्यान से बात देखना, ये 39 दे रखा है, ये 52 दे रखा है, और दोनों के नीचे एक्स प्लस वाई आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 39 और 52 दोनों डिवाइड होते हों,
ठीक है, कौन सा नंबर है? वो नंबर है 13। 13 से जो नंबर 13 है उससे 39 डिवाइड होता है और 52 डिवाइड हो सकता है ना। तो हम मान सकते हैं कि जो एक्स प्लस वाई है वो 13 है, क्योंकि देखो अगर एक्स प्लस वाई 13 है तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जो एक्स माइनस वाई है, ठीक है, यहाँ पे देखो 25 और 35 किस नंबर से डिवाइड होते हैं? दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, है ना। देखो 5 से होते हैं तो एक्स माइनस वाई को हम मान सकते हैं 5 है। मान लो कि एक्स माइनस वाई कितना है? 5 है। हमने मान लिया कि एक्स प्लस वाई 13 है, एक्स माइनस वाई 5 है। अब जो इक्वेशन है पुट करके देखते हैं इस वैल्यू को। हम x प्लस वाई की जगह 13 लिख देंगे और x माइनस वाई की जगह 5 लिखेंगे। तो देखना 39/13 प्लस 25/5 इक्वल्स टू 8। इक्वेशन सही है, देखो ये हो गया 3, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 8। लो इक्वेशन एकदम ठीक बैठ गई, मतलब हमने जो एज्यूम किया x प्लस वाई 13 है और x माइनस वाई 5, तो ये दोनों सही है, ये दोनों के दोनों सही हैं। पर हमें निकालना क्या है? धारा की दिशा, सो धारा की चाल, रेट ऑफ स्ट्रीम। और रेट ऑफ स्ट्रीम क्या है? वो y होता है, y मतलब रेट ऑफ स्ट्रीम। तो हमें y निकालना है। अब y कैसे निकालेंगे बताते हैं। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 13/5। अब क्या करते हैं हम ना, शॉर्टकट से करेंगे इसे। तो इक्वेशन वन में से इक्वेशन वन है, ये 2 है। अगर इक्वेशन वन में से मार्कर चेंज, इक्वेशन वन में से इक्वेशन 2 को लेस करें तो क्या होगा? मान लो हमने इक्वेशन वन में से लेस किया इक्वेशन 2 को, तो y में से y चला जाएगा, ठीक है। प्लस के y में से माइनस का y जाएगा तो क्या बचेगा? y बचेगा, ठीक है। 13 में से 5 गया, यहाँ पर 2y हो जाएगा। 13 में से 5 गए, बचेगा 8, तो y की वैल्यू कितनी हुई? 4 हो गया सॉल्व। तो y कितना है? 4। तो रेट ऑफ स्ट्रीम कितना है? 4, मतलब 4 किलोमीटर आवर। ये आंसर हो गया आपका। जो पहले मैंने 2 इक्वेशन बनाई थी उनको आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया मैंने कि वो 39 और आपका 52 दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ज़रा शॉर्टकट लगा दिया। और एसएससी में आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा जहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है, अदरवाइज आप प्रॉपर जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है उस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आपको एकदम बेसिक्स कराऊंगा इस क्वेश्चन को भी मैं। अब पहले क्वेश्चन की फिगर समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो बोट की स्पीड, नाव की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर आवर, ठीक है। उसके अलावा धारा मतलब स्ट्रीम, यह है 2 किलोमीटर आवर। ये कितनी है? 2 किलोमीटर आवर। नाव की स्पीड 8 किलोमीटर घंटा और धारा स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर घंटा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, क्या है? मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक वो धारा की दिशा में जाता है, क्या आता है? एक्स प्लस वाई, वो धारा की दिशा में जाता है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि उसकी बोट मिड पॉइंट पर ख़राब हो जाती है, उसकी नाव की जो मोटर होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ तक वो धारा की दिशा में जाता है, मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब कितना हो गया? 8+2 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे वो 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर की स्पीड से आता है, मगर यहाँ पे उसकी नाव ख़राब हो जाती है, बीच में नाव ख़राब हो जाती है। और यहाँ से यहाँ तक वो किसकी स्पीड से आता है? वो सिर्फ नाव की, धारा के स्पीड से आता है, कितना? 2 किलोमीटर आवर की स्पीड से।
भाई जब नाव ख़राब हो गई तो फिर जो धारा है उसकी स्पीड से जाएगा, जिस स्पीड से लहर जाएगी उसी स्पीड से नाव आगे बढ़ेगी। तो आधे रास्ते तक तो वो नाव और धारा दोनों की स्पीड एक साथ जाती है ना, मगर मिड पॉइंट पे नाव ख़राब हो गई तो सिर्फ धारा की स्पीड में वो पहुंचता है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, 6 आवर्स एक्स्ट्रा उसको अपनी जगह जहाँ पहुँचना था डेस्टिनेशन पे पहुँचने में उसे 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। और 6 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लगते हैं, क्योंकि नाव ख़राब हो गई थी। अगर नाव ख़राब नहीं होती तो उसे 6 घंटे एक्स्ट्रा नहीं लगते, मगर नाव ख़राब हो गई इसलिए उसे 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे। तो अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये ए पॉइंट हो गया ये बी, तो यहाँ से यहाँ तक नाव ने कितनी दूरी तय की आपको ये निकालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो इसको करेंगे शॉर्टकट तरीके से। अब देखो आंसर निकालता हूँ, आंसर डिस्टेंस 2 किलोमीटर माइनस डिस्टेंस अपॉन 2 10 = 6। देखो एक फॉर्मूला होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है ना। तो देखो डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड क्या है 2 किलोमीटर, डिस्टेंस ये हो गया स्पीड 10 किलोमीटर। देखो जब स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगता है ना, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, जब स्पीड कम है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, आधा। देखो डी को मैंने 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि देखो आधे रास्ते में बोट ख़राब हो गई है ना, तो देखो आधा रास्ता वो किस स्पीड से चला, जो आधा रास्ता था मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चला, और आधा रास्ता डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 वो 2 किलोमीटर की स्पीड से चला। ठीक है, मैंने इस वाले को आगे रखा है, इस वाले को पीछे इसलिए रखा है क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसको आगे रखा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन बन गया, तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे क्योंकि जो 2 किलोमीटर की स्पीड थी ठीक है उससे ज़्यादा टाइम लग गया, और 10 किलोमीटर की स्पीड से कम टाइम लगा, मगर तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, क्यों, ये इक्वेशन बता रही है। अब बस एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, दे रखा है ठीक है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10D/2 माइनस इसको इससे करेंगे 2D/2, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 10 से करेंगे 20 = 6 हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो अब कैसे होगा, देखो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 120, 10D में से 2 गए, 10D/2 5D माइनस 2D/2 1D, तो मतलब 4D = 120, देन D = 120/4 = 30, तो आपका आंसर कितना हो गया 30। तो डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। आपका डिस्टेंस कितना निकला, आपका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आई तो एक दो बार ये क्वेश्चन को देखना ठीक है। तो देखो यहाँ पे पता आपको ये देखना होता है टाइम कितना लगा है एक्स्ट्रा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे, और टाइम किस में ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है, तो यहाँ पे स्पीड कम थी तो यहाँ पे इसको आगे रखा, यहाँ स्पीड ज़्यादा थी 10 किलोमीटर तो इसको मैंने पीछे रखा, और लेस कर दिया तो 6 आ गया। तो ये थी क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक आदमी होता है जो कि स्कूटर से जाता है ठीक है, तो वो ना अपने स्कूटर की स्पीड को कभी बढ़ाता है और कभी घटाता है ठीक है। तो होता क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है,
काफ़ी सारे को तो हटा हुआ है, मिनट ज़्यादा। देखो जो आदमी होता है ठीक है, वो अपने ऑफिस जाता है तो एक बार वो क्या करता है कि अपने स्कूटर की स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ाता है, स्कूटर की स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बढ़ा दिया तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं अपने ऑफिस पहुँचने में। फिर अगली बार वो क्या करता है कि वो अपने स्कूटर की स्पीड को 2 किलोमीटर घटाता है, क्या करता है 2 किलोमीटर घटाता है स्कूटर की स्पीड को, तो उसको अपने ऑफिस पहुँचने में 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, मतलब दूरी निकालनी है आपके, आपको निकालना क्या है कि उसके घर से लेके उसके ऑफिस तक कितनी दूरी है, बस आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो इसको भी हम शॉर्टकट से करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो अगर दोबारा देखना समझ आ जाएगा, इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला है, स्पीड अपॉन टाइम, यही क्वेश्चन था ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 3 इक्वल टू 40/60। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो यह टाइम है क्या है, 40/60 मतलब 40 मिनट है ना, 40 मिनट, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे 40 मिनट लग रहे थे, 40 40, तो 40/60/40/60। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे स्पीड में मैंने 3 को ऐड किया है, 3। देखो जब वो अपनी स्कूटर की स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ाता है, तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, तो देखो इतने स्पीड को उसने 3 किलोमीटर बढ़ा लिया, स्पीड ने 3 जोड़ दिए तो फिर टाइम इतना लगता है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस स्पीड, और ये टाइम दे रखा है। ठीक है, अच्छा देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे s+3 को आगे रखा और यहाँ पे s-2 को आगे रखा, इसका लॉजिक क्या है? तो देखो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना हम उसको आगे रखते हैं, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको आगे रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, उसने स्पीड को बढ़ाया, d/speed, स्पीड को बढ़ाया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड में टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, सॉरी टाइम कम लगेगा। जब स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम तो कम लगेगा ना, अगर आप तेज़ गाड़ी चलाओगे तो आपको ऑफिस पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब से उसने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा, और टाइम कम लगा तो इसलिए मैंने इसको पीछे रखा और यहाँ पे इसको आगे रखा। अब यहाँ पे देखो s-2 मतलब 2 किलोमीटर घटा दिया, स्पीड को 2 किलोमीटर कम कर दिया, तो इसको मैंने आगे रखा। क्यों? क्योंकि जब स्पीड को कम करोगे, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप धीरे गाड़ी चलाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको आगे रखा और इसको पीछे रखा। ठीक है, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है हम उसको आगे रखते हैं, और जिसमें टाइम कम लगता है उसमें पीछे रखते हैं, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, 40/60/40/60, तो ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल होंगी, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 40/60/40/60 थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो एक मिनट दोबारा वही लिख देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको ना आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 40/60/40/60 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपका 1। ठीक है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, गैस करो, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 1/s/1 s-2। ठीक है, 1/s-2, यहाँ बचेगा 1s+3/1/s, आपके पास ये बचेगा। और अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो 1 है ही,
अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपस में इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम भी इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इनको आपस में सॉल्व कर लो, 1/s माइनस 1/s+3 अपॉन में 1/s-2 माइनस 1/s इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और उस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा s+3/s माइनस s+3। तो क्या बचेगा, कुल में बचेगा 3/s+3s। और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारे पास s-s-2/s-2, ठीक है। ये बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2/s-s-2। ये बचेगा, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, तो मतलब 3/s s+3 डिवाइड बाई 2/s s-2 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन बच रही है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ, इसको करेंगे तरीके से सॉल्व। ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 3/s s+3 इक्वल्स टू 2/s s-2। ये हो गया, s से s कट गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3s-6 2s+6। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा और 2s वहाँ चला जाएगा, तो s इक्वल्स टू 12। तो स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई 12 किलोमीटर आवर। और क्वेश्चन में निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था, क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था, स्पीड तो निकल आई। तो अभी क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले क्या गया था, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर, अब बस डिस्टेंस निकालना है। हमें टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, बस डिस्टेंस निकालना है। तो पहले वाले फॉर्मूले के अंदर इक्वेशन को सेट कर देंगे, कैसे देखो, स्पीड 12 किलोमीटर आ गई तो क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो 12 है, 12 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड +3, 12+3 इक्वल्स टू 40/60। ये था ना, तो सॉल्व कर लो इसको, स्पीड डिस्टेंस निकल आएगा, d/12 - d/15 60, 40/60 को हम लिख देते हैं 4/6, 2/3, ठीक है। सॉल्व करो, 15d - 12d अपॉन में 180, 2/3, और सॉल्व करते हैं 3d इक्वल्स टू 360/3, 3d इक्वल्स टू 120, तो d इक्वल्स टू 40, मतलब 40 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन था जो कि SSC CGL के लिए है। तो डिस्टेंस हमारा 40 आ गया, तो बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन मैंने इनको सेट कर दिया और आपका डिस्टेंस एकदम 40 आ गया है, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, नंबर जाइएगा, और कोई डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दो रेलगाड़ी होती हैं, ठीक है, देखो तो दो बिंदु हैं A और B, ठीक है। यहाँ से ट्रेन चलती है, यहाँ से ट्रेन चलती है, देखो दो ट्रेन होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, एक ट्रेन यहाँ से चलती है, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन स्पीड क्या है,
ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर और एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि मान लो यहाँ पर दोनों ट्रेन मिलती हैं, यहाँ पर दोनों ट्रेन मिलती हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन दूसरी से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है, एक ही 60 एक ही 80, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं। पर लेकिन जब दोनों ट्रेन एक साथ मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, तो जो एक ट्रेन होती है वो दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, 30 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, बस आपको ये निकालना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो देखो आपको ऊपर ने बताया था कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 60:80, मतलब 3:4, है ना। तो टाइम के रेशो क्या होगा, 4:3, यह टाइम का रेशो हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एक ट्रेन है वो 3 यूनिट का टाइम ले रही है और दूसरी ट्रेन 4 यूनिट का टाइम ले रही है, तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, एक यूनिट। भैया एक यूनिट का डिफरेंस है ना, सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस है, मगर यहाँ क्या बोला है कि 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। तो मतलब एक यूनिट का मतलब 30 किलोमीटर, तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा, अगर एक का मतलब 30 है तो 4 का मतलब कितना होगा 120, और 3 का मतलब कितना होगा 90, मतलब यहाँ ये 40 किलोमीटर चल, वो ये जो 4 है, 4 का मतलब होगा 120 और 3 का मतलब होगा 90। तो मतलब जो दोनों ट्रेन है वो कितने किलोमीटर चली, 120 प्लस 90, ठीक है, मतलब 210। तो देखो एक ट्रेन थी वो करीबन 120 किलोमीटर चली, दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर चली, तो डिस्टेंस कितना बचा, डिस्टेंस कितना हुआ 210 किलोमीटर। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई, तो एक ट्रेन 120 किलोमीटर चली, एक ट्रेन 90 किलोमीटर चली, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हुई, 210 किलोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू 210 किलोमीटर। तो बस यही क्वेश्चन था और यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया, और अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। तो आज की क्लास के अंदर हमने नोट कर लो, शॉर्टकट से कराया मैंने आपको, समझाने की कोशिश की शॉर्टकट तरीके से। तो आज की क्लास के अंदर आपका बोट एंड स्ट्रीम पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट बचता हो तो आप कमेंट कर देना, आपको एकदम बेसिक समझाऊंगा, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो अब इस क्लास में मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई डाउट बचा होगा, और बचा होगा तो उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई डाउट अगर बचता है आपको तो आप बता देना। तो आज की क्लास के अंदर आपका बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन कराऊँ, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन थे ट्रेन एंड स्पीड, तो आपको वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, अभी आपको बोट एंड स्ट्रीम कराया गया है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।